और ये सेशन जो है वो एक इंटरैक्टिव सेशन है, कोई डरने या छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीड एक ऐसी चीज है जो हम सबने देखा है, हम सबके घरों में होता है, या हमने कभी ना कभी जिंदगी में अपने पौधे पेड़ उगाए हैं, राइट? आई थिंक हम सब जब स्कूल में गए हैं तो बचपन में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते ही थे जहाँ पे हमने सीड्स को सोइंग द सीड्स और प्लांट को ग्रो होते हुए देखा है, राइट? इजंट इट? भले ही हम साइंस स्टूडेंट हो या नहीं हो, बट दैट इज समथिंग विच वी हैव ऑब्जर्व्ड, है ना? तो सीड जो है, जब आप सीड के बारे में बात करते हैं या हम सुनते हैं सीड के बारे में, तो सीड क्या है? कोई बोल सकता है सीड क्या है? बीज बीज क्या होता है? आप लोग सबने बीज देखे होंगे ना, कभी फूल उगाए होंगे, पेड़ उगाए होंगे, किचन में सीड यूज करते हैं हम लोग अलग अलग तरह के, राइट? वो सीड से हम खाने में डालते हैं अपने। बीज फ्रूट में, यस हाँ मैम, जी, मैम बीज फ्रूट में से ही निकलता है, मैम बीज फ्रूट में से ही निकलता है और उससे हम नया पौधा लगा सकते हैं हाँ, मतलब आपको बीज जो से। फल मिलता है, फल के अंदर एक सीड है, पर वो फल को उगने के लिए जो पेड़ में जो वो पकता है या पेड़ में जो जो जिसकी उपज वो है, वो पेड़ भी एक पेड़ सीड से उगा है, राइट? है ना? जब आप आम का सीजन होता है तो इतनी सारी गुठलियां जब नीचे गिरती हैं तो वो गुठलियों से कभी कभी हम उसमें से देखते हैं कि उपज हो जाती है आम के पेड़ की इधर उधर, राइट? उसी तरह से बहुत सारे अनगिनत सीड्स हमको रोड साइड पे कभी कभी गिरे हुए मिलते हैं, और फूलों के अंदर सीड्स होते हैं, फल के अंदर सीड होते हैं, राइट? हम उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं है, है ना? इस्तेमाल जो है वो है हमारे उसके खाने के ऊपर। लेकिन आज जो हम सीड थेरेपी करने वाले हैं, तो फिर हम वो सीड जिसको हम फेंक रहे हैं, जिसको हम का वैसे कोई उपयोग नहीं है, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पेड़ है तो बहुत सारे पेड़ हैं, हमको इतने सारे पेड़ उगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों सीड्स कलेक्ट करें या सीड्स क्यों रखें? और जो हमारे किचन में सीड्स होते हैं वो हम खाने के लिए यूज करते हैं, राइट? मेथी का है, धनिया का सीड है, राई है, जीरा है, ये क्या है? सीड ही है ना, राइट? तो अगर हम इसको सॉइल में डालते हैं तो उससे प्लांट उगेगा, पेड़ उगेगा, चाहे वो सौंफ हो या काली मिर्च हो। हो सकता है बहुत साल लग जाए, हो सकता है उनको वो कंडीशन अगर ना मिले तो वो बेकार रहे, या हो सकता है उनमें जर्मिनेशन करने की ताकत नहीं, राइट? लेकिन सीड बीज जो है उसी से ही एक लाइफ क्रिएट होती है। तो एक पेड़ में और आप में क्या सिमिलैरिटी, क्या कोई बोल सकता है? पेड़ और आप क्या है? पेड़ देखने में बहुत फर्क लगता है, आप बहुत फर्क लगते हो, तो पेड़ और आप में कोई सिमिलैरिटी आपको लगता है कि हो सकती है? दोनों क्या में ही सिमिलैरिटी जीवन हो है सकती है? और दोनों में ही बढ़ने की क्षमता है, ग्रोथ की क्षमता है। ओके दोनों ही शीट से ही बनते हैं, जैसे मदर वूम में जस्ट एक डिम्बाणु से ही पूरे जीवन का संचार होता है। ठीक बीज भी अपने अंदर पूरे वृक्ष को समा कर रखता है। ओके ठीक है। तो मतलब पेड़ में क्षमता है लाइफ देने की, उपज करने की, कोई फ्रूट को जन्म देने की, उसी तरह से हम मनुष्यों में भी एक जीवन को प्रदान करने की क्षमता होती है, राइट? दूसरी चीज है, अगर आप पेड़ का स्ट्रक्चर देखो, अगर उसके ब्रांचेस देखो और पेड़ देखो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन है जो वैसा दिखाई देता है? कौन सा ऑर्गन? किडनी आपको, की हम तरह सबको मालूम होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, राजमा किडनी की लंग्स। तरह लगता है, राजमा हाँ, किडनी की तरह लगता है। नहीं, मैं अभी सीड की बात नहीं कर रही, मैं पेड़ की बात ओके कर,
तो पेड़ की जब आप ब्रांचेस देखते हो, पेड़ के जब आप ऐसा टहनिया देखते हो और एक हरा भरा पेड़ ऐसा दिखाई देता है, तो कभी आपने अपने लंग्स का फोटो देखे? अगर आपके ऐसे लंग्स की फोटो देखो और लंग्स के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांचिंग होती है, देखिए सब फेफड़ों का अपने फोटो देखिए, सबके पास गूगल है, जस्ट गूगल इट, सी हाउ योर लंग्स लुक। ओके, तो वैसे ही पेड़ है, पेड़ का अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो लंग्स की तरह ब्रांचिंग उसके सिमिलर होती है। सो कंसेप्ट इसका मतलब ये क्या है? कंसेप्ट है, हम क्यों बोल रहे हैं कि पेड़ और हम में क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि एक नेचर का रूल है, जब दो चीजों को इस्तेमाल करना होता है या कोई चीजों को एक दूसरे के हेल्प करनी होती है तो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक तरह का होना चाहिए, राइट? अगर आज आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना है, अगर आपको ब्लड की कमी है, तो आप ठीक है, एक यूनिवर्सल डोनर होता है, एक यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड होता है, लेकिन आप वही ब्लड ग्रुप के लिए जाओगे ना जो आपका ब्लड ग्रुप है, राइट? अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो आपको जो ट्रांसप्लांट करने वाली दूसरी है, क्या आप उसमें लंग डाल दोगे? नहीं ना, किडनी की जगह पे किडनी ही जाएगी, राइट? लंग्स की जगह लंग्स ही जाएगी, है ना? तो उसी तरह से जब हम, अगर पेड़ जो सीड है जो पेड़ को उपज दे रहा है, तो वो प्लांट और हम अपनी तरफ जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम में और पेड़ में काफी सिमिलैरिटी। पेड़ भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं, ये अलग बात है कि जो हम छोड़ते हैं उसे वो लेता है, जो वो छोड़ता है उसे हम लेते हैं, राइट? क्योंकि ट्री जो है वो ऑक्सीजन देता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, राइट? लेकिन ब्रीदिंग दोनों में है, दोनों में लाइफ है, दोनों में जीवन है, दोनों में ग्रोथ है, दोनों में फ्रूट क्रिएट करने की क्षमता है, राइट? सो दैट इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द ट्री एंड द प्लांट, ट्री एंड ह्यूमन बींग्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई द प्लांट किंगडम हैज बीन ऑलवेज वेरी क्लोज टू ह्यूमन बींग्स। हमारे आने से पहले सृष्टि में पेड़ थे, या ये था, उसके बाद ह्यूमंस बाद में आए, राइट? सो कहीं ना कहीं हम पेड़ों से बहुत कुछ लेते हैं, बिसाइड्स के आप ऑफकोर्स खाना लेते हो उनसे, उनकी वुड वुड को यूज करते हो, उनकी लीव्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके फ्रू तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा पेड़ और ह्यूमन बीइंग्स में ये इस तरह की एक सिमिलैरिटी, राइट? तो जब सीड की तरफ हम देखते हैं तो सीड हमको बहुत छोटी सी चीज दिखाई देती है। एक सीड जो है वो क्या है, इतना जरा सा एक सीड है, कोई भी सीड ले लो, सपोज आप, अगर हम बड़ा सीड भी ले लें, सपोज राजमा भी ले लें, तो हमको लगेगा अरे ये क्या है, इतना सा ही तो है ना सीड, ये हमारी क्या मदद कर सकता है। अभी अगर आप अपने रोगों की तरफ, अगर हम आजकल की लाइफ स्टाइल की तरफ देखें, तो हम ज्यादातर, हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं कि नहीं रहती? क्या तो हमको हेडेक रहता है, हमको माइग्रेन भी होता है, हमको कोल्ड भी होता है, हमको हीट भी फील होती है, हमको ऑफ कोर्स फॉरगेट अबाउट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड मेनी अदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, राइट? तो हम सब जो हैं कुछ ना कुछ दवाइयां तो लेते ही हैं, है ना? कई लोग होते हैं जो रेगुलरली बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हम कभी कभी जो हमको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम दवाई लेते हैं, राइट? तो दैट इज अ एलोपैथिक स्टाइल वेयर वी डिपेंड ऑन द मेडिसिन। हो सकता है बहुत से आप में से लोग ऐसे भी हो जो होम्योपैथिक दवाइयों पर डिपेंड करते हैं, राइट? पर ये सीड थेरेपी जो है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी मींस जो, और ये एक ड्रग फ्री है, क्यों? क्योंकि ड्रग का मतलब, मैं ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपियम और गांजा और एनीथिंग, ड्रग मींस मेडिसिंस जो हम एवरीडे केमिकल्स मेडिसिंस में लेते हैं, दैट इज द ड्रग व्हिच वी आर टेकिंग, राइट? लेकिन इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, तो क्या हम ये सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये सीड हमको किस तरह से मदद कर सकता है? क्योंकि जब इसके अंदर ताकत होगी तो ही मदद कर सकता है ना।
तो अगर आप सीड को देखो तो सीड के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, इट हैज एन एनर्जी टू ग्रो सम, राइट। जब हमको कोई डिजीज हो जाती है तो हमारी एनर्जी लो होती है उस टाइम। क्या होता है, क्योंकि वो एनर्जी, जो एनर्जी फील्ड से हम ज्यादातर सब लोग यहाँ पे हैं, राइट, मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव डन कुछ ना कुछ हीलिंग मोडालिटी, है ना। हम कंसेप्ट ऑफ एनर्जी को समझते हैं, राइट। तो एनर्जी इज एवरीवेयर। वी ऑल्सो नो कि जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं या हमारे कोई भी मेंटल है, फिजिकल इशू है, कोई भी टाइप का इशू, दैट मीन्स समवेयर वी आर लोअर ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी वी आर ऑपरेटिंग, राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आप थेरेपी करो तो हम आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके आ रहे, राइट। एंड व्हेन यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी एवरीथिंग चेंजेस, राइट। दैट इवन वी टॉक अबाउट मनी और एनीथिंग, कुछ भी आप ले। तो सेम वे जो सीड है, सीड हैज अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, इट बिकॉज इट गिव्स लाइफ, इट क्रिएट्स लाइफ। तो जब हमको कोई भी जगह पे दर्द है, दैट इज शोइंग अ साइन। आपको कैसे पता चलता है आपको कोई बीमारी है या आपको कोई प्रॉब्लम है? एक तरीका होता है कि ऑफकोर्स हमको जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो हमको दिखाई दे रहा है, राइट। कभी कभी हमको पेन होता है, राइट, हमको बहुत लो फील होता है, हमको उठा नहीं जाता है, एनर्जी वाइज वी फील वेरी बेड रिडन, वी कांट गेट अप, वी कांट डू एनीथिंग, है ना। तो देन वी अप्रोच द डॉक्टर, फिर डॉक्टर हमको बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या ये इश्यू है, राइट। सो उसके हिसाब से हम मेडिसिन लेते हैं उसको क्योर करने के लिए। तो सीड हैज अ पॉजिटिव एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई जब हम ये पॉजिटिव एनर्जी को वो पॉइंट के ऊपर जहां पे नेगेटिव एनर्जी, जब हम लो एनर्जी है उसके ऊपर हम डालते हैं, तो इट क्रिएट्स उसकी वो नेगेटिविटी को ले लेते हैं।